अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज का जो भी लोग है वो शुरू करते हैं, आज का भी लोग शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और फजल करम से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मुझे किसी एक दोस्त ने पूछा कि अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है या आपसे कोई बेवफाई करके चला जाता है तो क्या करना चाहिए। मैंने उसे ये जवाब दिया कि चलो ये मान लिया कि वो आपको छोड़ गया, फ़र्ज़ किया कि वो आपको छोड़ गया, तो इसमें नुकसान किसका हुआ। नुकसान ये हुआ कि वो इंसान अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार के गया, क्योंकि जब वो किसी से भी मोहब्बत करेगा उसको आप याद आओगे, उसको वो पल याद आएंगे, उसको महसूस होगा कि कोई शख्स था जो मेरे इश्क के लिए अपनी जान भी दे सकता था, कोई था जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था, कोई था जो मेरी हर एक परेशानी को महसूस करता था, कोई शख्स था जो बिना मेरे कहे मेरे दिल की आवाज़ सुन लेता था, और यही बातें उसे तड़पाएंगी, रात को जगाएंगी, और कभी भी वो सुकून से सो नहीं पाएगा। तो इसमें उसने अपना ही नुकसान किया है, आपका नुकसान नहीं किया। बस मैं इतना कहूँगा, जो आपको छोड़ के चला जाता है आप उसको भूल जाओ। भूलना मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन आप फिर भी भूल जाओ और अल्लाह पाक से सिर्फ़ उसकी खुशी की दुआ मांगो कि वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे और ज़िंदगी में उसको कोई भी परेशानी ना आए। बस ये चीज़ होती है, इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे चाहत कहते हैं, इसी से ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, इसी से ज़िंदगी में सुकून आता है, इसी से ज़िंदगी में खुशबू महकती है। बस मैं आप सब से यही बात कहना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं किसी का दिल ना दुखाओ, किसी से भी जज्बात के साथ ना खेलो, किसी को अंदर से ना तोड़ो, क्योंकि जब अंदर से कोई टूटता है ना तो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन महसूस वही करता है जो टूटा होता है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और मैं रोज़ाना आप सब के लिए दुआ करता हूँ और नहायत दिल से करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके घरों पर रहमतें और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल करम सब कुछ अता फरमाए, और आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो भी जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आज पहली दफ़ा वीडियो देखी है तो वो अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम मुझे दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारने का मौका दे, मुझे लोगों का फ़ायदा करने का मौका दे, और अल्लाह करीम मुझे अपने नेक रस्ते पर चलाए और मेरे पीर व मुर्शिद का साया मेरे सर पर ता क़यामत रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी लोग हैं वो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा, और अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।